अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और गर्मियाँ सिर्फ मैंगोज़ के साथ ही इंजॉय कर रहे होंगे। दरवाइज तो बहुत गर्मी है। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्विक डिलाइट लेकर आई हूँ, मैंगो डिलाइट। बहुत जल्दी से बन जाता है, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने मैंगोज़, हम जाहिर सी बात है इसमें लेंगे, जिसके मैंने चंक्स कर लिए हैं वो मैंने 2 मैंगो लिए थे। उसके अलावा मैंने क्रीम ऑलपर्स की जो मतलब हम नॉर्मली क्रीम यूज़ करते हैं, मैंने वही क्रीम ली है। 1.5 पैक है ये। इसको मैंने तकरीबन 30 से 40 सेकेंड जो है मैंने इसको ब्लेंड किया था। ये मैंगो चंक्स मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, ठीक है। आप क्यूब्स में कट कर लें, जैसे आपको स्लाइसेस कट करने हो आप कट कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैंगो प्यूरी है। 4 मैंगोज टोटल यूज़ हुए हैं, 2 मैंगोज जो मैंने चंक्स के लिए रखे हैं और 2 मैंगोज जो हैं वो मैंने उनकी प्यूरी बनाई है। और उसके अलावा बिस्किट्स मैंने लिए हैं, मेरे बिस्किट मैंने लिए थे, आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं। और शुगर जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, ठीक है। पाउडर फॉर्म में शुगर हम लेंगे ताकि जब हमने क्रीम में मिक्स करना हो तो हमें आसानी हो। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हमें कोई बेकिंग नहीं करनी है, इतना टाइम नहीं लगेगा। बड़ा आसान सा डिलाइट है और बहुत मज़े का। सबसे पहले हमने एक बाउल में जो है वो क्रीम ले लेनी है। उस क्रीम को मैंने आपको बताया कि मैंने 30 से 40 सेकेंड्स पहले ब्लेंड किया हुआ है, उसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, शुगर आपने इसके अकॉर्डिंगली ऐड करनी है कि आपके पास आम अगर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा शुगर ऐड ना कीजिएगा। मैं जो जिन आमों की चंक्स इसमें आम का ऐड करना है ना, मैंने वो थोड़े खट्टे थे, तो मैंने उस हिसाब से तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून से भी थोड़े से ज़्यादा शुगर ऐड किए हैं। तो ये हमने इसको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। बीटर है तो उससे कर लें, बीटर होगा तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है। मैं सिंपल फॉक से ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने व्हिपिंग क्रीम नहीं ली, नॉर्मल क्रीम ली है। उसके बाद जो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। प्यूरी बनाने के लिए आपने सिर्फ क्या करना होता है कि आमों के चंक्स काट के उनको ब्लेंड कर लेना होता है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। अगर वो ग्राइंड नहीं हो रहे तो आप पानी ऐड कर लें, अदरवाइज ऐसे ही प्योर आम की प्यूरी होगी, ठीक है। तो हमने वो इसमें ऐड कर देनी है। और इसका बड़ा अच्छा सा कलर है आम की प्यूरी का, आप देख सकते हैं मैंगो का फ्रेश सा एक लुक आता है प्यूरी का। तो इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको ज़्यादा बीट नहीं करना हमने, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना पतली हो जाएगी आपकी क्रीम। तो इसको हमने थिक रखना है और ज़्यादा थिन भी नहीं रखना, कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल रहनी चाहिए। ये कुछ इस तरह से जो है ना मिक्स होने के बाद इसका कलर आ जाएगा। और ये देखें, ये थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में है इस टाइम, जिस तरह से इसको होना चाहिए। तो क्रीम जो है ये हमारी जो बेसिक है हमारी वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, सेकेंडली हमने क्या करना है, हमने एक बाउल लेना है जिसमें इसको हमने सर्व करना है। सबसे पहले हमने मेरे बिस्किट जो है वो मैंने तोड़ लिया, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा मुँह में आए क्रंची सा तो वो अच्छा लगता है। सबसे पहली लेयर जो है वो हमने बिस्किट्स की लगानी है। बिस्किट्स की लेयर के बाद जो आपने मटेरियल अपने प्रिपेयर किया है क्रीम और प्योरी का, वो आपने इसमें पोर कर देना है, वो हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि वो एडजस्ट हो जाए, सेटल्ड हो जाए। हेयर एंड में भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्या कहते हैं, हमने इसमें दोबारा से बिस्किट्स की एक लेयर लगानी है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आपको, आप जितनी ज़्यादा लेयर्स लगाना चाहे लगा सकते हैं, जैसे मैं 2 लेयर्स ही लगाऊंगी। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है कि जो मैंगो के चंक्स हमने कट किए हैं वो इस पर ऐड करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं, ठीक है। भागने की कोशिश नहीं करनी है फटाफट से। तो इसको सेटल करके उसके बाद जो है हम इस पर जो मैंगो चंक्स कट करके रखे हुए हैं वो इस पर हम ऐड कर देंगे। ये जब आप खाते हैं ना तो आपको बड़ा एक अच्छा फ्लेवर आता है, क्रीम का, प्योरी का, मैंगोज़ का अलग, जब मुंह में आपके मैंगोज़ आते हैं, बिस्किट्स का अलग, तो एक ओवरऑल बड़ा अच्छा सा डिलाइट बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। गर्मियों में आपको पता है कुकिंग करना बड़ा मुश्किल है, तो ये किस तरह का डिलाइट है कि इसमें नो कुकिंग है, ठीक है, कोई कुकिंग नहीं है, कोई बेकिंग नहीं है और बस फटाफट से काम आपका हो जाता है। तो उसके बाद जो मैंने दोबारा इसके ऊपर क्रीम ऐड की है, जो हमारा क्रीम और प्योरी का मिक्सचर था वो उस पर हमने ऐड करके इसको अच्छे से फैला देना है, ठीक है। अब जब ऊपर से कवर्ड हो जाएगा तो मैंने प्योरी थोड़ी सी बचा ली थी, ठीक है, वो मैंने अलग से रखी थी, वो मैंने इसके ऊपर पोर कर दी, जिसे हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। मेक श्योर कि जो आपने चीनी का टेस्ट और हर चीज़ का बैलेंस आपने इस अकॉर्डिंगली रखना है कि आपकी आम की प्योरी खट्टी ना हो और आम भी जो आप डाल रहे हैं वो ज़्यादा खट्टे ना हो। अगर हैं तो उस हिसाब से आपने चीनी ज़रूर ज़्यादा ऐड करनी है, वरना खट्टा खट्टा सा खाया नहीं जाएगा। साथ ही मैं इसमें दोबारा जो आपने देखा होगा कि मैं क्रीम की जो है वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इस ये ऐड करने के बाद अब मैं टूथपिक्स, पहले मैंने ली है एक्सपीरियंस करके देखा और मुझे टूथपिक से डिज़ाइनिंग करनी इतनी अच्छी उसकी नहीं आ रही। और सेकेंडली ये है कि मैं फॉक से कर रही हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, मैं बहुत तेज़ तेज़ अगर चम्मच चलाऊँगी तो आपका नीचे का जो सारा मटेरियल है बेस है वो हिल जाएगा और आपकी डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं होगी। तो मेक श्योर जब आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करने लगते हैं क्रिस क्रॉस करके, तो आपने स्पून बहुत स्लो मूव करना होता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ,
मैं थोड़ी सी प्यूरीज में और ऐड कर रही हूँ, ये आपने लाजमी बचा के रख लेनी है, ठीक है, अगर आप ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो। प्यूरी मैंने थोड़ी सी इसमें और ऐड की है ताकि येलो कलर जो है वो डिज़ाइनिंग करते हुए प्रॉपर नज़र आना चाहिए, वो एक अच्छा सा लुक आती है। अच्छा, अब आप देखें कि मैं फॉग की मूवमेंट जो है मेरी स्लो है, तो आप इजीली इसमें जो है वो डिज़ाइनिंग बन रही है। आप रैंडमली किसी भी मूवमेंट में, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फॉग को चलाएं, ठीक है, तो उससे एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग ऊपर हो जाती है। उसके बाद मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करने के बाद मैं जो है इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, अभी आप इसके लुक देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा, फ्रीज़र में रखना है, अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ये फ्रीज़ भी हो जाता है और एक किस्म का आइसक्रीम डिलाइट टाइप भी बन जाता है, और अगर थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये मतलब ये होगा कि ज़्यादा फ्रीज़ नहीं होगा। तो ये मैंने 4 घंटे के बाद फ्रीज़ करके निकाला था, और इसकी शक्ल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से जो है ना वो सारा सेटल्ड हो चुका है, सारी जो लेयर्स थी बिस्किट्स की, मैंगो की और क्रीम की। तो ये बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी सा डिलाइट है, इसमें कुकिंग नहीं सबसे ज़्यादा आपको मेन बात जो करनी पड़ेगी, और सबको ही बहुत पसंद आएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये डिलाइट, ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।